कटनी सिविल लाइन गणेश चौक स्थित विद्युत मंडल कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन कर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने अधीक्षण यंत्री मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड शहर संभाग कटनी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार आई है, तब से विद्युत मंडल के द्वारा पूरे प्रदेश के साथ साथ कटनी जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विद्युत की अघोषित कटौती की जा रही है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में भारी गर्मी में नागरिक यातना झेल रहे हैं। अतः अविलंब विद्युत कटौती बंद की जाए। आगे कहा गया कि विद्युत मंडल द्वारा वास्तविक रीडिंग के विपरीत अत्यधिक बढ़ी हुई राशियों के विद्युत बिल दिए जा रहे हैं। इसकी आपत्ति करने पर समय सीमा में उनका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। विद्युत के बढ़े हुए बिल तत्काल वापस लिए जाएं और आपत्ति आने पर उसकी 5 दिवस की समय सीमा में अविलंब निराकरण किया जाए। इसके अलावा तमाम मांगे सामने रखी गई। प्रदर्शन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिथिलेश जैन, प्रदर्शन गौर, राकेश जैन, रौनक खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के समय में 100 यूनिट पर 100 रुपए बिजली का बिल आता था, पूरे मध्य प्रदेश की जनता को मालूम है। और आज 50 यूनिट भी यदि वो चला रहा है तो 5,000 का बिल आ रहा। आज कागज में बिजली का बिल नहीं आ रहा, वो तो ऐसा लगता है बिजली का बिल नंगी तार हो गई विद्युत की, उसको करंट मारता है बिजली का बिल। ये स्थिति बन गई है, ये स्थिति बन गई। आज देखे हमारे प्रदर्शन में ये नागरिक खड़े हैं, सैकड़ों नागरिक भी आए हैं अपनी इच्छा से, वो सब यहाँ परेशान है विद्युत मंडल से। उनके द्वारा जो 4 पॉइंट जैसे उनके द्वारा बताए गए हैं कि ये जो 4 पॉइंट हैं, आप मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ उनके द्वारा जो पढ़ने में लंबा समय लगेगा। हाँ, तो इन्होंने एक जो बताया है कि विद्युत के जो है सप्लाई को कटौती के लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। तो कुछ लोकेशन पे ट्रांसफार्मर के चूँकि गर्मी है, लोड बढ़ जाता है तो डीओ और फ्यूज वायर चले जाते हैं, इस कारण से सप्लाई में इंटरप्शन आता है, लेकिन उनको समय रहते हुए अपन उसको कंप्लेंट अटेंड करते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर उन्होंने और ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई कटौती के लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया कि जहाँ देखो वहाँ ट्रांसफार्मर जले हैं। ये लोग ट्रांसफार्मर बनवाने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। हमारे कटनी जिले का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ ट्रांसफार्मर है ही नहीं, पूरे जबलपुर में है। एक ट्रांसफार्मर यदि कहीं जल जाता है तो जबलपुर से इनको मंगाना पड़ता है। मैं इन विधायकों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि क्या बिल्कुल शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? कटनी में जो विद्युत ट्रांसफार्मर रहते थे वो भी इस जबलपुर चले गए। हर धीरे धीरे कार्यालय हमारे कटनी का जबलपुर जाता जा रहा है। ये लोग गहरी निद्रा में सो रहे हैं। आप निवार की बात करो, आप कनवारा की बात करो, जिसका रिलेशन शहर से है। ग्रामीण तो बिल्कुल चौपट है, किसान की तो ये कहना चाहिए कि पूरी तरह से चारों तरफ से आफत है। ये लोग 8 घंटे भी बिजली नहीं दे पाते।